तो गाइस आज था वो स्मैकडाउन जिसका कि हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वो दिन खत्म हो चुका है, रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं सारे। तो इस वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि फुल हाइलाइट्स, तो सारा कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हो सके तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, और चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्री शो की तो हम बात करने ही वाले हैं, तो इसलिए हम प्री शो के ही मैच को लेते हैं। अब यहाँ पे प्री शो में मैच हुआ और फिर बड़ी मर्फी के बीच में, जिस मैच को यहाँ पे मुस्तफ़ा अली जीतते हैं। अब मेन शो की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मैकडाउन की शुरुआत में आते हैं विंस मैकमैन और फिर स्टेफनी मैकमैन, और सारे फैंस का वेलकम करते हैं यहाँ पे। और फिर चलता है स्मैकडाउन का प्रोमो जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है, और हमें सामने देखने को मिलता है एक ऐसा स्टेज जो कि रेसलमेनिया से 100% कंपेयर किया जा सकता है। मतलब सोचिए यार, ये कितना जायंट स्ट्रक्चर है, कितना ज़बरदस्त लगता है देखने में। पूरा पायरो वहाँ पे लगा था और बहुत ज़बरदस्त पायरो का वहाँ पे यूज़ किया गया। उसके बाद शो के स्टार्ट करते हुए देखती है हमें बेकी लिंच, जहाँ पे कि वो शो का प्रोमो ऑन करती है, और फिर इसी की तरफ से स्मैकडाउन ऑन एयर होता है। वहाँ पे बेकी लिंच आती है, इंटरफेयर करते हैं बैरन कॉर्बिन, और फिर साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं द ग्रेट वन, द पीपल्स चैंप, द रॉक। जैसे कि मैं पहले ही पता था, अब रॉक पहले ही इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे उनका बहुत बिजी शेड्यूल भी है, इस बात से उन्हें जल्दी काम के निपटा के जाना था डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब वहाँ पे वो जैसे कि इलेक्ट्रीफाइंग चीज़ें बातें करते हैं, तो सारी इलेक्ट्रीफाइंग बातें की यहाँ पे रॉक ने, और ऑडियंस तो बिल्कुल वहाँ पे पागल सी हुई थी रॉक को देख के। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ हुआ कि रॉक को पहले से ही सेगमेंट करना था बेकी लिंच के साथ। अब जैसा कि हम जानते थे कि रॉक चाहते हैं बेकी लिंच के साथ सेगमेंट करना, अब बैरन कॉर्बिन अपना बड़बोलापन तो छोड़ेंगे नहीं, तो रॉक ने दिया वहाँ पे रॉक बॉटम बैरन कॉर्बिन को, और फिर उन्हें लाइन पर लाया। अगला सेगमेंट हमें इसी के साथ देखने को मिलता है बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर वाला मैच, जहाँ पे कि वो लड़ती हैं साशा बैंक्स और फिर बेली से। अब इस मैच में आगे क्या होता है कि मैच तो रेसलिंग के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त था, और सारे मैचेस ऐसे होने भी थे क्योंकि फॉक्स पे पहला दिन था, तो सारी चीज़ें ज़बरदस्त करनी थी। अब जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, इस मैच को जीतते हुए दिखती है हमें यहाँ पे बेकी लिंच और फिर शार्लेट फ्लेयर। अगला सेगमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का, अचानक से मैच फिक्स कर दिया जाता है, जहाँ पे कि वो लड़ते हैं शिंसुके नाकामुरा से, यानी कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, जो कि मैच शुरू होता है, सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, और जैसे ही रॉलिंस एंट्री करते हैं वहाँ पे पायरो बिल्कुल थूम धड़ाका होने लगता है। पायरो से शुरुआत होती है रॉलिंस की एंट्री की, यानी कि रॉलिंस की एंट्री में हमें पायरो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फायरफ्लाई फन हाउस का एपिसोड वहीं पे देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस की एंट्री के बाद ही, जहाँ पे कि हेल इन अ सेल के मैच के लिए एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहे थे ब्रे वायट। उसके बाद हमें क्या होता है कि मैच शुरू होता है, मैच खत्म होने के लास्ट में, मैच तो पूरा खत्म नहीं हो पाया, आखिर तो फिंड ने यहाँ पे अटैक कर ही दिया सेथ रॉलिंस पे, और ये मैच और भी इंटेंस होते हुए नजर आ रहा है हमें हेल इन अ सेल के लिए। और जहाँ तक लगता है कि मे बी ब्रे वायट अब जीतने वाले हैं यूनिवर्सल टाइटल, लेकिन यहाँ पे बहुत सी दिक्कत भी है, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल टाइटल जीतेंगे तो फिर वो स्मैकडाउन में कैसे जाएंगे, तो बहुत से क्वेश्चन से उन्हें बाद में कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। फिर यहाँ पे बहुत से लेजेंड्स का हमें पता था रिटर्न होने वाला है, तो कई लेजेंड्स बैक स्टेज थे और कई लेजेंड्स रिंग साइड थे, जो कि यहाँ पे पूरा शो का लुक उठा रहे थे। यहाँ पे मिक फॉली और कर्ट एंगल, और फिर इधर साइड में देखने को मिलती है लीटा और फिर ट्रिश स्ट्रैटस, और फिर बहुत कुछ जो कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस को पागल करने वाला था, और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त शो था। आगे हम यहाँ पे लेजेंड्स की बात करें, तो ये जो एक लेजेंड है ये अनडिफीटेड हैवी वेट बॉक्सर है, जो कि यहाँ पे टाइसन फ्यूरी नाम का है। अभी से आप नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ये भी आते हैं रिंग साइड बैठे रहते हैं। तब यहाँ पे एट मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है हमें, और जहाँ पे कि ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़ा सा यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं टाइसन फ्यूरी का। अब टाइसन फ्यूरी मानते नहीं है, टाइसन फ्यूरी निकलते हैं बैक यहाँ पे बैरिकेड से बाहर, और वो लड़ने की कोशिश करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन से, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि वो रोक लेते हैं टाइसन फ्यूरी को ऐसा करने से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक लैडर मैच, जिसको हमें पहले से ही पता था कि होने वाला है। रूल्स होते हैं नो पिन फॉल, नो सबमिशन, नो डिस्क्वालिफिकेशन और काउंट आउट, यानी कुछ नहीं होने वाला, यानी कि पूरा ज़बरदस्त मैच। अब इस मैच से उतना एक्सपेक्टेशन तो था, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं था जितना हमने इस मैच में देख लिया। यहाँ पे लैडर्स का इतना तगड़ा यूज़ किया गया, इतना मतलब बोलने लायक नहीं, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है स्मैकडाउन देखा है, तो आप सब जानते ही हो कि मैं स्पीचलेस हूँ, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। अब यहाँ पे शेन मैकमैन टॉप पे से कूदते हैं, कभी यहाँ पे केविन ओवंस शेन मैकमैन पे कूदते हैं, और बहुत ज़बरदस्त मैच था यहाँ पे, मतलब सांसें रोक देने वाला मैच था, और स्मैकडाउन आज का पूरा शो जो हुआ वो बिल्कुल सांसें रोक देने वाला था। यहाँ पे शेन मैकमैन जैसे कि अपना जंप करते हैं, सारी चीज़ें किए हैं अनाउंस टेबल्स पर, और फिर भी एट लास्ट यहाँ पे जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था केविन ओवंस ने इस मैच को जीता, और हो चुके हैं यहाँ पे शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड। आने वाले सेगमेंट में हमें मार्शमेलो 24/7 टाइटल जीते हुए दिखते हैं यहाँ पे कार्मेला से, जो कि मैंने आपको पहले बताया था 24/7 टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ पे, तो वहाँ पे 24/7 टाइटल चेंज होता है, मार्शमेलो जीतते हैं। हालांकि शो के लास्ट तक कार्मेला वापस से जीत जाती है मार्शमेलो से, और बन जाती है 2 times 24/7 चैंप। आने वाले सेगमेंट में जैसा कि हमें पता था, हमें देखने को मिलता रोमन रीन्स और फिर एरिक रोवन का मैच। अब ये मैच गाइस अचानक तो नॉर्मल होने वाला था, फिर इसे फिक्स कर दिया गया एक लंबरजैक मैच में,
जो कि हमें आज के स्मैकडाउन में ही पता चला। अब रिंग के आसपास बहुत से लोग थे, जिस वजह से और भी मैच जबरदस्त देखने में लगा और अच्छा रेसलिंग मैच था। यहाँ पे कि रोमन लगाते हैं यहाँ पे अपना जो कि दांव पेच होता है, और फिर यहाँ पे एरिक रोवन को हराने वाले होते हैं। तब तक यहाँ पे लुक हार्पेंटर इंटरफेयर करते हैं और फिर मैच डिस्क्वालीफाई नहीं होता क्योंकि लंबर जैक था, और एट लास्ट यहाँ पे डेनियल ब्रायन भी इंटरफेयर करते हैं, पर मैच में जीत मिलती है रोमन को ही। फिर यहाँ पे उस कमर्शल को कट होता है, प्रोमो आप कट होता है और फिर कमर्शल हमें देखने को मिलता है जहाँ पे केन वेलास्क्यूज, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है आप जाकर चेक कर सकते हो, केन वेलास्क्यूज का यहाँ पे कमर्शल चलता है। हालांकि उसके बारे में लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करने लगे थे और टीस भी कर दिया था। समय आता हमारा मेन इवेंट का, कॉफी किंगस्टन और फिर ब्रॉक लेसनर का, जिसमें हमें पूरे शो में इंतजार था। मैच शुरू होता है और 5 सेकंड के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर हरा देते हैं, मतलब कॉफी किंगस्टन की पूरी कूद फान को यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने 5 सेकंड के अंदर निकाल दिया। मतलब इतना छोटा मैच तो शायद गोल्डबर्ग ने भी नहीं हराया था ब्रॉक लेसनर को, वो भी 6 सेकंड का था। यहाँ पे मैं नए वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखते हैं ब्रॉक लेसनर, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग चीज़ होती है कि रे मिस्टीरियो का म्यूजिक हिट करता है। अब ब्रॉक लेसनर तो रे मिस्टीरियो का म्यूजिक सुन के इतने चौंकने वाले नहीं है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ब्रॉक लेसनर को दिखने को मिलता है केन वेलास्क्यूज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था केन वेलास्क्यूज का यहाँ पे रिटर्न हो सकता है, जो कि है ये UFC फाइटर ही जिन्होंने फर्स्ट ही राउंड में ब्रॉक लेसनर को नॉकआउट करके उनसे UFC टाइटल जीता था। अब यहाँ पे लेसनर 2-3 बार कोशिश करते हैं केन वेलास्क्यूज को कन्फ्रंट करने की रिंग में जाके, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती और वो वापस लौट कर आते हैं। अब आने वाले सेगमेंट में यानी कि क्राउन जुवेल में हमें मैच देखने को मिल सकता है। अब ओवरऑल गजब का स्मैकडाउन था आज, बहुत पसंद आया हमें। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको आज का स्मैकडाउन, आप रॉ देखना चाहते हो या फिर स्मैकडाउन, दोनों आमने सामने जाएंगे तो आप कौन सा शो देखोगे, तो ये फटाफट से नीचे जाकर कमेंट में बता दो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने डोडोली फैंस नेटवर्क की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आने वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन